हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए स्वराज इंडिया पार्टी ने अपने 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशियों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी हैं। यादव जी, किस तरीके के आपने जो 10 प्रत्याशी चुने हैं, क्या क्या ध्यान रखा गया है जो बाकी पार्टियाँ नहीं करती हैं? आज हमने पहले 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से 3 महिलाएँ हैं, 2 युवा हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हरियाणा के किसी बड़े राजनीतिक घराने से हो, जो वंशज हो किसी का। एक कैंडिडेट अरबपति और ये जो धन्ना सेठ बैठे हैं राजनीति पे कुंडली मार के, वहाँ से नहीं है। आंदोलन के साथ ही किसान आंदोलन के हैं, दलित आंदोलन के हैं, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ ही आए हैं। सर, अगर मुद्दों की बात करें तो आपको कौन से मुद्दे लेके जाएंगे जिनके सहारे आप कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास दिला पाएंगे कि आप उनके एक सच्चे हितैषी बनेंगे? हमने साफ कहा है, खुल के कहा है, जो नहीं करेंगे और करेंगे, नहीं करेंगे 35-1 की राजनीति नहीं करेंगे, हरियाणा के लिए बहुत खतरनाक है। करेंगे किसान को फसल का पूरा दाम मिले, कर्जे से मुक्ति मिले, ठेकाबंदी हो हरियाणा के अंदर, बेरोजगारी की समस्या को समाप्त किया जाए, मजदूर को इज्जत और रोजगार मिले, इन सवालों पर हम करेंगे। सर, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में करीबन 223 कुल प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से मात्र 10 प्रत्याशी जीते हैं और एक प्रत्याशी ने अपनी जबान बचाई है। ऐसे में बीजेपी से लड़ने के लिए कौन सी खास रणनीति रहेगी कि आप उनसे मुकाबला कर पाएं? आज तो हरियाणा में डबल चुनौती है, एक तो ये कि बीजेपी से लड़ना, दूसरा कोई विपक्ष खड़ा करना। यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई, पहले कदम में हम यहाँ प्रतिपक्ष बन के दिखाएंगे, एक सच्चा प्रतिपक्ष हम बन के दिखाएंगे। अगर हरियाणा के वर्तमान राजनीतिक हालातों की बात करें, जिसे जेजेपी, बसपा, कांग्रेस, उसको लेकर क्या कमेंट करना चाहेंगे? सर जी, ऐसा है, हम तो पहले ही जीरो थे, लोकसभा चुनाव में जनता ने बाकी सबको और जीरो पे उतार दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने मुँह से बोल देते हैं, ये बाकी मुँह से नहीं बोलते। हम जीरो से पॉजिटिव में, प्लस में जा रहे हैं, ये जीरो से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नेगेटिव में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। फ़र्क ये है कि इनके अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। हम खड़े हैं, लड़े हैं, लड़ेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ हरियाणा स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव, जिनका साफ कहना था कि इस बार वो प्रदेश में भले ही ना जीतें, लेकिन एक जनता को एक अच्छा विकल्प देने की जरूर कोशिश करेंगे। कैमरामैन सियाराम के साथ OP शर्मा, R9 चंडीगढ़।